हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर 200 ग्राम चिकन से चार अलग अलग कोटिंग के साथ चार रेसिपी शेयर करूंगी। इनको मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। यकीन मानिए, हमारी सभी रेसिपीज बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। आप भी मेरी रेसिपीज को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपीज जरूर पसंद आएंगी। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले इस तरीके से कोई भी बड़ा सा बाउल ले लेंगे। अभी मैंने एक प्याली बारीक कटे हुए पत्ता गोभी लिया है, पत्ता गोभी को इसमें डाल देंगे। अब इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। अभी मैंने दो बारीक कटी हुई फ्रेश लाल मिर्च ली है और दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, इनको भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च है, ये एक चम्मच सीखे हुए जीरा का पाउडर है, ये एक चम्मच ओरिगेनो है, एक चम्मच कुटा हुआ धनिया है, आधा चम्मच गरम मसाला है, ये एक चम्मच नमक है, ये एक चम्मच चाट मसाला है। इसमें अपनी पसंद के हिसाब से बारीक कटे हुए हरा धनिया डालेंगे। ये एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। अभी मैंने 200 ग्राम शेडेड चिकन लिया है, चिकन को भी इसमें डाल देंगे। ये चिकन को मैंने आधा चम्मच नमक डालकर उबाल लिया था। अभी देखिए, मैंने पांच उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने उबालने के बाद ठंडा कर लिया है। आलू को इसी में मैश करके डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अभी देखिए, मैं इस चम्मच से नापके पांच चम्मच अरारोट लिया है, ये अरारोट को इसमें डाल देंगे। अरारोट को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहो तो इसमें अरारोट की जगह कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा भी ऐड कर सकते हो। इनको देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब अपनी पसंद के हिसाब से इसकी शेप बनाएंगे। अब थोड़ी सी देखिए, मैं इसकी इस तरीके से बॉल्स बनाऊंगी। ये बॉल्स को बना बना कर किसी प्लेट में रख लेंगे। आप इसके अपनी पसंद के हिसाब से शेप बना लें, जो भी शेप आपको अच्छी लगे। अभी देखिए, मैंने थोड़ी सी बॉल्स बना ली हैं। अब इसके देखिए, मैं इस तरीके से थोड़े से कटलेट्स बनाऊंगी। अभी मैं थोड़ी सी स्टिक रोल बनाऊंगी, इसलिए देखिए मैंने थोड़ी सी स्टिक्स ली हैं। अब इस तरीके से देखिए कि स्टिक लेंगे। अब इस मिश्रण के देखिए इस तरीके से शेप देंगे। अब इसमें देखिए इस तरीके से स्टिक को ऐड करेंगे। अब इसके देखिए इस तरीके से स्टिक रोल बना लेंगे। इन सभी पीसों को बनाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम इनको ज्यादा दिन के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्च ली है। ये क्या है, खाने में थोड़ी फीकी होती है। इनको देखिए, मैंने धोने के बाद बीच में से इस तरीके से कट कर लिया है। अगर आप चाहो तो इसके बीजों को भी निकाल सकते हो। अब इसी मिश्रण को हम मिर्चों में भरेंगे। इस मिश्रण को मिर्चों में भर के मिर्चों को भी देखिए इस तरीके से रेडी कर लेंगे। अभी देखिए, पूरे मिश्रण की मैंने शेप बना ली है। अभी देखिए, सिलरी बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा लिया है। इसमें हम एक कप पानी डालेंगे। अब इसमें हम क्वार्टर चम्मच नमक डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक कप पानी और डालेंगे। इसकी थोड़ी गाढ़ी सी स्मूथ सी सिलरी बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें लम्स रह गए हैं तो आप इसको छन्नी से छान लें। ये हमारी सिलरी भी बनकर के तैयार है। अभी देखिए, मैंने इस प्लेट में थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है। अभी देखिए, मैंने कोटिंग के लिए थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, इनका मैंने चूरा कर लिया है। अब सबसे पहले हम ये बॉल्स को कोट करेंगे। ये बॉल्स को हम सबसे पहले मैदे से कोट करेंगे। ये पूरी बॉल्स को मैदे में डाल देंगे। अभी बॉल्स को मैदे से अच्छे से कोट करेंगे। अभी बॉल्स को मैदे से कोट करके सिलेरी में डिप करेंगे। अब इनको सिलेरी में से निकाल करके कॉर्नफ्लेक्स में डाल देंगे। अब इनको कॉर्नफ्लेक्स से अच्छे से कोट करेंगे।
अगर आप चाहो तो बोल्स को कॉर्नफ्लेक्स की जगह सूजी से या फिर ब्रेड क्रम्स से भी कोट कर सकते हो। इसी तरीके से पूरी बोल्स को कोट कर लेंगे। ये सभी बोल्स को देखिए मैंने कोट कर लिया है। अब हम ये कटलेट्स को कोट करेंगे। ये कटलेट्स को कोट करने के लिए देखिए मैंने सूजी ली है, अब इनको हम सूजी से कोट करेंगे। अभी कटलेट्स को पहले सूखे मैदे से अच्छे से कोट करेंगे, अब इनको सिलेरी में डिप करेंगे। इनको सिलेरी में से निकाल करके सूजी में डाल देंगे। इनको सूजी से कोट करेंगे। अभी पूरे कटलेट्स को देखिए इस तरीके से सूजी से कोट कर लेंगे। ये कटलेट्स को भी देखिए मैंने सूजी से कोट कर लिया है। अब हम हरी मिर्चों को कोट करेंगे। हरी मिर्चों को कोट करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब इनको भी हम पहले सूखे मैदे से कोट करेंगे, अब इनको सिलेरी में डिप करेंगे, अब इनको ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। ये मेरे पास घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं। अगर आपके पास इस तरीके से बने हुए ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप ताजे ब्रेड को भी मिक्सी में चला करके इनको यूज कर सकते हो। ये हरी मिर्च को भी देखिए इस तरीके से कोट कर लेंगे। ये मिर्ची को भी देखिए मैंने कोट कर लिया है। अब हम ये स्टिक्स रोल को कोट करेंगे। ये स्टिक्स रोल को कोट करने के लिए देखिए मैंने बारीक वाली सेवई ली है। इस सेवई को देखिए मैंने तोड़ लिया है। अब ये रोल को हम पहले मैदे से कोट करेंगे। अब इनको सिलेरी में डिप करेंगे। अब इनको सेवई से कोट करेंगे। इस तरीके से सभी स्टिक्स रोल को कोट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो सिलेरी को ग्लास में भर के भी इनको डिप कर सकते हो। इन सभी पीसों को देखिए मैंने कोट कर लिया है। अब इनको हम कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, जिससे क्या है अच्छे से सेट हो जाएंगे। इन सभी पीसों को मैंने करीब 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुके हैं। ये सभी पीस एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो चुके हैं। अगर आप इनको ज्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हो तो देखिए इस तरीके से कोई भी जिपलॉक बैग ले लें या फिर इस तरीके से कोई भी एयरटाइट डब्बा ले लें। अगर आपके पास जिपलॉक बैग और एयरटाइट डब्बा दोनों ही नहीं है तो आप इस तरीके से कोई भी प्लेन सी पॉलीथीन ले लें। इस तरीके की पॉलीथीन तो अक्सर घरों में मिली जाती है। अब हमें जितने भी पीस स्टोर करने हैं इनको बैग में जमा देंगे। ये बैगों में से एयर को अच्छे से निकाल देंगे। अब इनको देखिए इस तरीके से फोल्ड करके फ्रीजर में रख देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। आप इनको इस तरीके से फ्रीजर में रख के आराम से 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अब थोड़े से पीस हम फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल लिया है। अगर आप चाहो तो दूसरा ऑयल भी ले सकते हो। अभी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये ऑयल भी देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये पीसों को ऐड करेंगे। एक बार में इसमें 4 से 5 पीस ही ऐड करेंगे, ज्यादा पीस ऐड नहीं करेंगे। अगर इसमें एक बार में ज्यादा पीस ऐड कर देंगे तो ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पीस बढ़िया क्रिस्पी नहीं होंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही इनको फ्राई करेंगे। इनको इस साइड से फ्राई होते हुए करीब 1 मिनट हो चुका है। अब इनको हम पलट देंगे। अब इनको सब तरफ से बढ़िया से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये सभी पीस देखिए बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब हम ये कबाबों को फ्राई करेंगे।
इनको भी पलटते हुए सब तरफ से बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये कबाबी बढ़िया फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। ये थोड़े से पीस मैंने फ्राई कर लिए हैं, इनको मैं टमाटो केचप के साथ सर्व करूंगी। अब देखिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। यकीन मानिए हमारी सारी ही चीजें बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।